हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टर्म्स के बारे में, राइट। इससे भी क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास रहेगी क्वेश्चन आर। अब क्वेश्चन आर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म जैसे क्या होता है ना, पार्लियामेंट में बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती है, जैसे लेम डक सेशन है, कट मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, हमने सुना होता है बट हमें पता नहीं होता। तो उन्हीं सब पार्लियामेंट्री टर्म्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट इस तरह की टर्म है क्वेश्चन आर। अब क्वेश्चन आर क्या होता है, जब दोनों हाउसेज में सिटिंग स्टार्ट होती है ना, ठीक है, उस टाइम जो पहला घंटा होता है यानी 11 बजे से 12 बजे तक का जो टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन आर। यानी फर्स्ट आर, जैसे कोई भी सेशन स्टार्ट हुआ, जैसे मान लीजिए किसी भी हाउस या लोकसभा या राज्यसभा, मान लीजिए लोकसभा का एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पे लोकसभा की सीटिंग स्टार्ट हुई, सेशन स्टार्ट हुआ है, तो पहला घंटा यानी 11 बजे से 12 बजे तक का जो टाइम है वो डिवोट किया गया है क्वेश्चन आर को। अब क्वेश्चन आर में होता क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कौन, मेंबर्स, और आंसर देते हैं मिनिस्टर्स। क्वेश्चंस पूछते हैं मेंबर्स और आंसर्स देते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म माना जाता है पार्लियामेंट में, और ये भी तीन तरह का होता है। अब कौन कौन सा होता है ये, पहला होता है स्टार्ड क्वेश्चंस। अब स्टार्ड क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप ओरली क्वेश्चंस पूछते हो, मतलब आप वैसे ही नॉर्मली उनसे पूछेंगे कोई क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड और वो ओरली ही आंसर करेंगे। एंड इसमें आप, इसमें क्या होता है, इसमें आप सप्लीमेंटरीज पूछ सकते हो, मतलब एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, मिनिस्टर ने उसका आंसर दिया, तो उससे रिलेटेड आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट नेक्स्ट आता है अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ट क्वेश्चन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, ये आप ओरली नहीं पूछते, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, आपको इसमें ओरली आंसर मिलता है, मतलब इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली पूछेंगे लेकिन आप डिमांड करेंगे कि हमें रिटर्न आंसर चाहिए, हमें रिटर्न फॉर्म में चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो मिनिस्टर आपको रिटर्न फॉर्म में आंसर प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन इसमें आप सप्लीमेंट्रीज नहीं पूछ सकते, क्योंकि सप्लीमेंट्रीज क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा मिनिस्टर ने आंसर किया, फिर आपने उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, देन मिनिस्टर आंसर करेगा। लेकिन जब आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, अब मिनिस्टर आपको रिटर्न आंसर देगा तो वो थोड़ी उसी टाइम देगा, वो कुछ टाइम लेगा, तो आप इसमें सप्लीमेंट्रीज नहीं पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सप्लीमेंट्रीज आप विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में नहीं पूछ सकते अनस्टार्ट क्वेश्चन में। एंड थर्ड, ये क्वेश्चन आर्स के ही टाइप्स हैं, राइट। नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और 14 दिन का टाइम पीरियड देंगे, 14 दिन के अंडर ही जो मिनिस्टर है वो आपको ओरली ही आंसर करेगा। ऐसा नहीं कि वो रिटर्न करेगा 14 दिन के बाद, नहीं, वो ओरली ही आंसर करेगा। लेकिन वो क्या होता है, कुछ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है जिसपे जो मिनिस्टर है वो एकदम आंसर नहीं दे सकता, उसे कुछ रिसर्च करनी होती है, राइट, कुछ पढ़ना पड़ता है उसके बारे में, तो उस केस में क्या होता है, वो ओरली ही आंसर करता है लेकिन आप मिनिस्टर को 14 दिन का टाइम देते हैं, इसे कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये सारा था हमारा क्वेश्चन आर, 11 बजे से 12 बजे तक चलता है, ये आपको याद रखना है कि 11 बजे से 12 बजे तक चलता है फर्स्ट आर जो होता है, और ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है, ये चीज भी याद रखनी है, राइट। ये हमने पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन आर। अब हम नंबर टू पे पढ़ेंगे जीरो आर। जीरो आर क्या होता है, जीरो आर के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ये टाइम गैप होता है क्वेश्चन आर एंड मेन एजेंडा जो रहेगा उसके बीच में टाइम गैप होता है। अब क्या मतलब है इसका, देखिए अब हाउस में मीटिंग हो रही है तो किसी इंपॉर्टेंट एजेंडा पे मीटिंग होगी, लेकिन हमने पढ़ा पहला घंटा, पहला एक घंटा क्या होता है क्वेश्चन आर के लिए होता है, तो क्वेश्चन आर के बाद थोड़ा सा समय निकाल के जीरो आर को दिया जाता है, एंड उसके बाद जो मेन मीटिंग है, जो मेन एजेंडा है हाउस का, वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें आप डिस्कस क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि कोई मिसलिनियस बिजनेस है,
मिसलिनियस बिजनेस, जिसपे कभी डिस्कशन नहीं होता, कोई छोटा मोटा टॉपिक है उस पर बात हो जाएगी, या हम कॉल अटेंशन नोटिसेस पे बात करेंगे. कॉल अटेंशन नोटिस क्या होता है हम वो भी पढ़ेंगे, कॉल अटेंशन नोटिसेस पे बात करेंगे, राइट. या फिर हम जो है एडजॉर्नमेंट मोशन पे बात करेंगे कि एडजॉर्नमेंट मोशन में क्या चल रहा है. ये जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये हम इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब तक कि पार्लियामेंट्री टर्म्स कंप्लीट नहीं होता उसके बीच बीच में ही. इसमें क्या होता है ना, हम छोटे मोटे चीज़ें डिस्कस करते हैं 0 आर से. मिसलिनियस बिजनेस हो गया, या कोई ऐसी चीज़ जो हम जिस पर कभी डिस्कशन नहीं हो पाता टाइम की कमी की वजह से, वो सब हम डिस्कस करते हैं 0 आर्स में. और 0 आर में एक चीज़ और, कि ये कब से एग्जिस्टेंस में है, 1962. इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि 0 आर कब से चल रहा है, कब से है ये एग्जिस्टेंस में, 1962 में, क्योंकि आपको पता है ये पहली लोकसभा तो 1952 में ही बन चुकी थी. ठीक है जी, अब हमने दो टर्म्स पढ़ ली, अब हम चलते हैं थर्ड टर्म की तरफ. थर्ड टर्म हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मोशन. ये मोशन होता क्या है वो पढ़ेंगे. ठीक है, मोशन क्या होता है, ये एक प्रपोजल होता है, बस आपको इतना याद रखना है, एक प्रपोजल होता है. मोशन एक प्रपोजल होता है जो किसी भी हाउस के सामने लाया जाता है, ताकि हाउस के लोग उस पर अपना विचार दें, अपना ओपिनियन दें, या डायरेक्टली अपना डिसीजन दें, वो होता है मोशन. अब ये मोशन बहुत सारे तरह का होता है. ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिखती हूँ, जैसे कि थर्ड ए हो गया. हम मोशन के, अब मोशन ही पढ़ेंगे हम बहुत सारे मोशन. पहला हम पढ़ेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन. सो एडजॉर्नमेंट हमने वर्ड यहाँ भी यूज़ किया 0 आर में. एडजॉर्नमेंट मोशन क्या था वो हम यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि साथ साथ पढ़ेंगे ना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा. सो अलग अलग टॉपिक्स को कवर करना ज़्यादा सही रहता है अकॉर्डिंग टू मी. एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे. इसमें हम क्या करते हैं, कोई अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है, कोई ऐसा मैटर है जो अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, राइट, उसको डिस्कस करेंगे. सारा का सारा मेन बिजनेस, मेन एजेंडा जो होगा उसको साइड में रख के हम एडजॉर्नमेंट मोशन में कोई अर्जेंट इम्पॉर्टेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस का जो मैटर है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, हमने क्या करना, जो मेन बिजनेस है वो साइड में रखा, और जो कोई नई चीज़ आ रही है उस पर डिस्कशन की. एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अयोध्या वाला वर्डिक्ट चला है आजकल, अयोध्या वाला केस चला है राम मंदिर वाला, तो अब हाउस क्या करेगा, जो भी उनका मेन एजेंडा है एजुकेशन या किसी चीज़ से रिलेटेड, उसको साइड में रख के जो करंटली चल रहा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको राम मंदिर अयोध्या वाला मस्जिद वाला जो कंसेप्ट है उस पर डिस्कशन हो सकती है, तो उसे आप एडजॉर्नमेंट मोशन करते हैं. एडजॉर्न करेंगे यानी डिले करेंगे मेन एजेंडा को, और डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट मैटर जो कि चल रहा है करंटली. ठीक है, ये हमने किया एडजॉर्नमेंट मोशन. अब दूसरा मोशन हम कौन सा पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉल अटेंशन मोशन. अब आप देख सकते हैं कॉल अटेंशन नोटिस, कॉल अटेंशन मोशन सेम चीज़ है. ये भी हमने ऊपर वर्ड यूज़ किया था बट समझ नहीं आया था क्या है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे कॉल अटेंशन मोशन क्या होता है. सबसे पहले ये सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती. राज्यसभा में कॉल अटेंशन मोशन होता ही नहीं है, इस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, राइट. सिर्फ लोकसभा में ही होता है. राज्यसभा में इसकी जगह एक अलग सी चीज होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, मोशन फॉर पेपर्स. क्वेश्चन इस तरह से ही आते हैं, हम बहुत सारे मोशन यहाँ पढ़ेंगे. तो कौन सा मोशन जो है वो सिर्फ लोकसभा में पास होता है या सिर्फ राज्यसभा में पास होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो. ये नहीं पूछते कि ये क्या होता है, ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेंस के लिए भी टारगेट कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए तो आपको पता होना चाहिए. ये सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है. राज्यसभा में इसकी जगह मोशन फॉर पेपर्स होता है. ये तो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया. अब होता क्या है हम वो पढ़ेंगे. कोई भी एक मेंबर, ठीक है, कोई भी एक मेंबर पहले स्पीकर से परमिशन लेगा, उसके बाद मिनिस्टर तक लेके जाएगा कोई एक ऐसा मैटर जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, ठीक है, अटेंशन सीक करेगा. क्या करेंगे हम इसमें कॉल अटेंशन मोशन में, कोई भी एक मेंबर, जैसे मान लीजिए, जैसे हमने पढ़ा कि सिर्फ लोकसभा में होता है, तो लोकसभा का कोई भी एक मेंबर पहले तो वो परमिशन लेके रखेगा स्पीकर की इस चीज़ के लिए, उसके बाद क्या करेगा, कोई भी मिनिस्टर जैसे मीटिंग्स में बैठे होते हैं तो उस कोई भी एक इंपॉर्टेंट मैटर लेगा, उससे रिलेटेड जो मिनिस्टर है उसकी अटेंशन सीक करेगा, कि जैसे मान लीजिए एजुकेशन लेवल बहुत गिर गया है,
तो कोई भी मेंबर क्या करेगा, वो एजुकेशन मिनिस्टर से एकदम बात करेगा, उसे कहेगा कि आपको अटेंशन देनी पड़ेगी इस चीज़ पे, ठीक है। फिर उस पे डिस्कशन स्टार्ट होगी, कॉल अटेंशन, स्पीकर से परमिशन लेके जो मिनिस्टर है उसकी अटेंशन सीक करेगा कॉल अटेंशन मोशन में, राइट। फिर हम पढ़ते हैं थर्ड, थर्ड हम पढ़ते हैं सेंसर मोशन। अब सेंसर मोशन क्या होता है हम वो पढ़ेंगे। ये भी सिर्फ लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में ऐसी कोई चीज नहीं होती। और दूसरा, इसको सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है सिर्फ वही पास कर सकता है। हमने क्या पढ़ा, ये सिर्फ लोकसभा में होता है और इसको सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन पास कर सकता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सेंसर मोशन में होता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पास करेगा, वो क्या करेगा, जो रूलिंग गवर्नमेंट है या फिर कोई एक मिनिस्टर, उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाएगा। वो बताएगा कि कौन से चार्जेस लगा रहा है वो, जैसे कि मान लीजिए कोई मिनिस्टर किसी एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, या फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कोई पॉलिसी निकाली है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए जो है डिसअप्रूवल ला रही है जनता, जनता में उसके अगेंस्ट जो है वो बातें फैला रही है, ठीक है। तो उस केस में लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या करता है, एक मोशन पास करता है जिसे कहते हैं सेंसर मोशन, ठीक है, सेंसर मोशन। इसमें वो स्पेसिफाई करेगा चार्जेस, और अगर उसने ऐसा कर दिया गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए इन्होंने कोई एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी ले आई, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, जैसे मोदी गवर्नमेंट चल रही है और एक हमें पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, किसी भी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट वो इल्ज़ाम लगाएगा कि इस मिनिस्टर ने क्या किया है। हमारी एक एक पहला इल्ज़ाम तो वो ये लगा सकता है कि इस मिनिस्टर ने कोई भी पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, ठीक है। तो इन इन सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा, मोदी गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। इस दूसरा केस क्या होता है, जैसे इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी लाई, अब ये मिनिस्टर क्या कर रहा है, जनता में उसके अगेंस्ट लोगों में बातें फैला रहा है कि ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, इसमें तो कुछ अच्छा है ही नहीं, इस तरह से बातें फैला रहे हैं, कर क्या रहा है, सीक कर रहा है डिसअप्रूवल, इनकी पॉलिसी का डिसअप्रूवल, तो भी ये फिर चार्जेस लगाएगा। और इसको चार्जेस स्पेसिफाई करने कि क्यों इसने चार्जेस सेंसर मोशन पास किया है, और अगर इसको पूरा सपोर्ट मिलता है इन सबको रिजाइन करना पड़ेगा। ये था सेंसर मोशन, ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये भी सिर्फ लोकसभा में होता है, इसको भी सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन पास कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए तभी आप इस नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो आपने हमेशा ही सुना होगा, बिल्कुल रहता है करंट अफेयर्स में, करंट में रहता है, लोकसभा में ही चलता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही पास कर सकता है, और 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। लेकिन इसको आप, जैसे हमने यहाँ पढ़ा, किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट करते हैं या पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसको आपको पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट करना पड़ता है, ठीक है। किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं होगा, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होगा ये, ठीक है। इसमें 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है, किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं होता है। और अगर आपके 50 मेंबर्स का सपोर्ट है ना, आपको स्पेसिफाई नहीं करने हैं चार्जेस कि आपने क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया है, 50 मेंबर्स का सपोर्ट है, गवर्नमेंट को यहाँ पे रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। डिफरेंस क्या है सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में, इसमें आपको एक मिनिस्टर के अगेंस्ट करते हैं और इसमें आपको चार्जेस स्पेसिफाई करने पड़ते हैं पार्लियामेंट में, ये आप पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट करते हैं, आपको कोई चार्जेस स्पेसिफाई नहीं करने हैं, राइट। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन सिर्फ आप मिनिस्टर के अगेंस्ट कर सकते हैं, ये दो फर्क आ गया दोनों में, ठीक है। इससे पहले हमने कॉल एडजॉर्नमेंट मोशन किया, ये सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता ही नहीं है, राइट। इससे पहले हमने जीरो आर किया, क्वेश्चन आर किया, इस तरह से हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टर्म्स आज के वीडियो में पढ़ी, लेकिन बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो अभी रह गई हैं। सो इसे आप पार्ट नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं इसका,
अभी इसका पार्ट नंबर टू मैं भी अपलोड कर दूंगी कुछ टाइम के बाद, उसमें आपके फिर जितने भी पार्लियामेंट्री टर्म्स हैं वो सारी कवर हो गई। इसे आप पार्ट नंबर वन कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर 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 शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। सी यू सून विद अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।